नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री राजे ने चित्तौड़गढ़ में की अनेकों घोषणाएं। 5000 करोड़ के विकास कार्य की स्वीकृत। जनता का पैसा जनता के विकास के लिए खर्च करने का किया ऐलान। सलमान खान को विदेश जाने की मिली इजाजत। कोर्ट ने विदेश बिना अनुमति के जाने पर किया था पाबंद। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दी विदेश जाने की अनुमति। पानी की समस्या पर लगाया जाम। अधिकारियों के व्यवहार से भड़के लोग सड़कों पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। कठुआ उन्नाव में हुए दुष्कर्म और हत्या पर जताया आक्रोश। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निकाला कैंडल मार्च। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी आए विरोध में। और अब समाचार विस्तार से। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि पैसा भी जनता का, सरकार भी जनता की, इसलिए खर्च भी जनता के विकास पर ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले सहित प्रदेश में विकास के जितने काम हमने किए, उतने काम अगर हर 5 साल में किए जाते तो राजस्थान को कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। राजे मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला में बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 63 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद आम सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 4.5 साल में उन्होंने करीब 5500 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं, जबकि पिछली सरकार ने 5 वर्षों में यहां 3000 करोड़ रुपए से भी कम के विकास कार्य करवाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की ऋण की समस्या को समझा और राहत देने का काम किया। सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के 50000 रुपए तक के ऋण माफ किए और ओवर ड्यूज पर शस्तियां माफ की। राज्य सरकार कृषक ऋण राहत आयोग बनाने जा रही है, इससे ऋण से जूझने वाले जरूरतमंद किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को राहत पहुंचाते हुए सरकार ने स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से दिए गए 2 लाख रुपए तक के ऋण भी माफ किए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र को 63 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों की भी सौगात दी। मुझे आपको सबसे पहले तो बधाई देनी है कि 3 बड़े बड़े काम आपके यहाँ हो रहे हैं। एक तो आपका डबोक मंगलवार बड़ी सादड़ी रोड जो 54 या 55 करोड़ रुपया उसमें लगने वाला है और जो आगे चल के इन सबको जोड़ते हुए आप लोग सबको फायदा देगा। और बहुत दिन से आप लोगों की मांग थी कि ये काम हमारा हो जाए। उसी तरीके से एक और रोड था आपका जो होड़ा चौराहे से बड़ी सादड़ी तक, और मैं समझती हूँ कि उसका पैसा भी एक जोरदार है। और एक मॉडल स्कूल जिसको मैं देखते हुए आ रही हूँ, क्या बिल्डिंग है भाई, शानदार बिल्डिंग है। और वो ढोंगला के अंदर दूर से दिखाई देता है कि ये कुछ बना है और सबकी इज्जत और सबके गौरव को बढ़ाने का काम करता है। मैं बिल्डिंग के ऊपर रुकना चाह रही थी, मैंने कहा चलो 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 वहाँ मीटिंग है, वहीं चलना है, पर वापस जाते जाते मैं रुकूँ जरूर, क्योंकि वाकई में सुंदर बनी है। और मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे और आप सबकी इज्जत बनाने में सबसे आगे रहने का काम करेंगे, वो मॉडल स्कूल से जो निकले हुए बच्चे। टोटल करीबन 63 करोड़ रुपया जो मैं गिनती कर रही हूँ, और उसमें मैंने होड़ा चौराहे के बड़ी सादड़ी के जो बासी तक की जो सड़क है उसको अगर मैंने जोड़ दिया तो मैं समझती हूँ कि उसके भी करीबन ऐसे 30-40 करोड़ रुपए होंगे। तो करीबन 100 करोड़ रुपया टोटल आपका आज 63 करोड़ रुपया, और उसको अगर मैं जोड़ती हूँ तो करीबन 100 करोड़ रुपया आपका ये कम्प्लीट होता है। उस बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक और बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनके विदेश जाने की अनुमति की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल सलमान ने फिल्म शूटिंग और दूसरी वजहों को बताते हुए
कोर्ट से चार देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी। सलमान ने अर्जी में नेपाल, यूएसए, कनाडा जाने की अनुमति मांगी, जिस पर जज रविंद्र कुमार जोशी ने सुनवाई करते हुए अनुमति दे दी। सलमान के वकीलों ने कहा कि इस दौरान वे कोर्ट की सभी आदेशों की पालना करेंगे। इस पर कोर्ट ने सलमान की अर्जी मानते हुए विदेश जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने फैसला देते हुए ये भी कहा कि सलमान को बताना होगा कि वे कब जा रहे हैं और कहां रुकेंगे और वापिस कब आएंगे। गौरतलब है कि काले हिरण का शिकार मामले में जोधपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2 दिन तक सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट ने सलमान को 25,000 रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दे दी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत देते हुए सलमान खान को देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई थी, यानी कोर्ट के आदेश के बिना देश नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 7 मई को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए थे। इसी वजह से अब सलमान के वकील ने कोर्ट से अनुमति मांगी है। सलमान खान को कुछ दिन पहले काकाणी हिरण प्रकरण के अंदर 5 साल की सजा दी थी और जिसके अंदर हमने अपील दायर कर दी थी और अपील के अंदर उसका सेंटेंस और सस्पेंशन कर दिया गया जिसमें वो जेल पर रिहा हो गया। उसके अंदर सलमान खान को विदेश जाने की अनुमति चाहिए थी और उसके अंदर न्यायालय में हमने अपना प्रार्थना पत्र पेश किया सलमान खान की ओर से। इसके अंदर सलमान खान को विदेश जाने की अनुमति न्यायालय ने दे दी है और इसमें कहा है कि हम अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए विदेश जाने के लिए स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि सलमान खान पर हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे, जिस पर करीबन 20 साल लंबी सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी मानते हुए 5 साल कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जिसकी वजह से सलमान को सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया था, जहां पर 2 दिन तक जेल में उन्हें रहना पड़ा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा को स्थगित करने के बाद जिसकी वजह से सलमान को सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां पर 2 दिन तक जेल में रहना पड़ा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सजा स्थगित करने के बाद सलमान जेल से बाहर आ सके थे। अलवर के राजगढ़ कस्बे में पानी की समस्या को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर रास्ता जाम किया। वहीं एसडीएम और तहसीलदार सहित जलदाय कर्मचारियों को आमजन के आक्रोश का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि पानी की मांग को लेकर एसडीएम के निवास पर गए थे। लोगों से अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार किया। राजगढ़ कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर प्रातः कस्बे वासी एसडीएम आशीष मोदी के निवास पर पहुंचे, लेकिन उस दौरान मोदी वहां मौजूद नहीं थे। सूचना पर मोदी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने पानी की समस्या को लेकर आए लोगों से धमकी भरे लहजे में कहा कि इस तरीके से आपके ऊपर राज कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कराया जाएगा। इस व्यवहार से भड़के लोगों ने तहसीलदार और एसडीएम को जमकर खरी खोटी सुनाई, साथ ही बाजार में जाम लगाकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। स्थानीय बाशिंदों का कहना था कि राजगढ़ क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही। इस मांग को लेकर एसडीएम को अवगत कराने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों का यह व्यवहार निंदनीय है। इस दौरान वहां मौजूद संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष खेन सिंह आर्य और पार्षद अनिल गुप्ता सहित काफी संख्या में महिला पुरुषों ने सड़कों पर टायर जलाकर हंगामा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। राजगढ़ परिक्षेत्र में पेयजल की भयंकर किल्लत चल रही है। आज 4th दिन भी जब पानी की सप्लाई नहीं हुई तो राजगढ़ क्षेत्र के महिलाएं पुरुष काफ़ी संख्या में एसडीएम निवास पर पहुंचे और वहां एसडीएम साहब का जो व्यवहार रहा वो निश्चित रूप से निंदनीय था। उन्होंने जो है कहा कि मेरे यहाँ घर पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप कैसे आ गए, ये जो है ट्रेसपास किया है तुमने। इस तरह का व्यवहार अधिकारियों के लिए अच्छा नहीं लगता। सारे शहर के जो लोग थे संभ्रांत महिलाएं थीं और वो वास्तव में दुखी थी, परेशान थी। वो अपनी मांग रखने के लिए गई, कोई किसी तरह का हौला नहीं कर रही थी, किसी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं था। उसके बावजूद भी जो इस तरह का जो व्यवहार हुआ, चाहे वो एसडीएम साहब हो चाहे तहसीलदार जी हो, सब ने जो निंदनीय व्यवहार किया उसकी आज प्रजातंत्र का युग है। सीधी सी बात है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। कोई वो जो है जो लोग थे आम नागरिक थे, महिलाएं थी, उन्होंने किसी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं किया, वो कोई अभद्रता नहीं की उन्होंने, और उसके बावजूद इस तरह का व्यवहार आज के युग में। इस प्रकार की धमकी क्यों दी गई जनता को? इस प्रकार की धमकी है, इस प्रकार की जो धमकी दी गई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और राजगढ़ शहर के समस्त व्यापारी और आम नागरिक मिलकर इस विषय में जो विचार करेंगे
और हम जो है जल्दी कोई ना कोई इस तरह का कदम उठाएंगे जिससे अधिकारियों को इस बात के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि इस तरह का व्यवहार आमजन के साथ करना ठीक नहीं। अगर आप राजगढ़ के मालिक हैं और आप हमारी वेदना को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? यहाँ के AEN और एक्शन और JEN कोई टेलीफोन उठाता नहीं है जिससे आम जनता बड़ी परेशान है। आप एक माह से आश्वासन दे रहे हैं कि टैंकर चालू कर दूंगा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आपको हर बार यही है, आपने राजगढ़ की महिलाओं के साथ बड़ा अशोभनीय व्यवहार किया, आपने उनको कहा कि मैं क्रिमिनल केस दर्ज कराऊंगा। उन्नाव और कठुआ में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में इन दिनों पूरे देश में आक्रोश नजर आ रहा है। इन दोनों मामलों में पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर आवाज उठने लगी है। दिल्ली में भाजपा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक मंच से दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा दिए जाने की मांग की और मामले की तफ्तीश और फैसला 6 माह में आने जाने की पुरजोर सिफारिश की। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही लोकप्रिय हमारे छोटे भाई अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, वो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि ऐसे केसेस में, ऐसे इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई इसमें जाति नहीं है, कोई जात नहीं है। इस तरह का जघन्य अपराध है और ऐसे जघन्य अपराध के लिए मैं केजरीवाल जी से पूर्णतः सहमत हूं और उनके बयान को समर्थन देता हूं कि ऐसे जघन्य कांड में और खासकर बच्चियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो तो फिर इसका टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइम बाउंड इसका जस्टिस डिलीवरी होनी चाहिए, इसका इंसाफ टाइम बाउंड होना चाहिए और ऐसे केसेस में मौत की सजा हो, सख्त से सख्त डिटरेंट पनिशमेंट हो और 6 महीने के अंदर हो सजा, इस बात के हम कायल हैं। मैं इस मंच से उनकी सराहना भी करता हूं और उनका समर्थन भी देता हूं। अलवर में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा भी अलवर में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन स्वरूप मार्च निकाला गया। उन्नाव और कठुआ में नाबालिग बच्चियों से हुए दुष्कर्म की घटना के विरोध में दिल्ली में भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा कि देश में महिलाएं सुरक्षित हों, उनके साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा मिले। वहीं आर्य कन्या विद्यालय समिति और आर्य समाज की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। आर्य कन्या स्कूल से शुरू हुए कैंडल मार्च कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे। इस दौरान समिति से जुड़े सभी शिक्षण संस्थाओं की छात्राएं और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। समिति की निदेशक कमला शर्मा ने बताया कि जिस तरह उन्नाव और कठुआ में बालिकाओं से जो दुष्कर्म किया गया वह एक निंदनीय कार्य है जिसके विरोध स्वरूप यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश में बच्चियां ही सुरक्षित नहीं है, यह एक सोचने का विषय है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह मार्च निकाला गया है जिससे कि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। उन्नाव और कठुआ में जो बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं, हम लोग उसका विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही हमारे देश के लिए शर्मिंदा विषय है कि इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं और हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी उनको नहीं रोक पा रहे, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय है। जनता को जागरूक करने के लिए, सब में अपने मानस को बदलने के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि हम सब लोग ये समझें कि यदि बच्चियां सुरक्षित होंगी तो ही हमारा देश सुरक्षित होगा, अन्यथा इस देश की बड़ी दुर्दशा होगी। यदि ऐसी स्थिति चलती रही, हम इसको नहीं बदल पाए तो हम, जब बच्चियां ही सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित है? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कड़े नियम तो बने हुए हैं उनका पालन हो जिससे कि बच्चियों की सुरक्षा। भरतपुर जिले में हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में धौलपुर नगर परिषद आयुक्त की पत्नी और ड्राइवर की मौत हो गई जबकि कार में सवार आयुक्त और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें भरतपुर के RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार धौलपुर नगर निगम आयुक्त शशिकांत शर्मा मंगलवार दोपहर को परिवार के साथ कार से जा रहे थे। भरतपुर जिले में हाईवे पर स्थित ऊंचा नगला के पास अचानक कार का टायर फट गया। इससे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में आयुक्त शशिकांत शर्मा की पत्नी और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हादसे में कार सवार आयुक्त शशिकांत शर्मा और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। कार में फंसे नगर परिषद आयुक्त शर्मा और उनके परिवार को बाहर निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस से भरतपुर जिला RBM अस्पताल पहुंचाया गया।
राजस्थान विधानसभा के चुनाव आगामी दिसंबर माह में होना प्रस्तावित है और राजपा के भाजपा में विलय के बाद किरोड़ी लाल के समर्थक थानागाजी पूर्व विधायक कांति मीणा भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने अभी से विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी जता दी है। मीणा ने प्रतापगढ़ कस्बे में एक जनसभा में खुले मन से स्वयं को विधायक चुनने का आह्वान किया। राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाजपा को समर्थन दिए जाने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। खासतौर पर एसटीएससी बाहुल्य क्षेत्र में उनके समर्थकों ने चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। इसे लेकर मौजूदा विधायकों में भी अपनी सीट को लेकर धड़कने तेज होने लगी है। फिलहाल थानागाजी से मंत्री हेम सिंह भड़ाना विधायक है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में अगर कांति मीणा बाजी मार जाते हैं तो विधायक हेम सिंह भड़ाना के बांसुर से भी आसार बन सकते हैं। और इस समोती माउस में कोई सर्फ सीसी के पिंडी के ऊपर जाके बैठ जाए तो हम सब लोग उसके आगे हाथ जोड़ेंगे। सर्फ की पिंडी के ऊपर जाके बैठता है तो हम सब लोग हाथ जोड़ेंगे। और घर में वो सर्फ वैसे घुस जाए तो लाठी देके मारेंगे। मेरी स्थिति वो है, अगर मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ इसलिए ये लोग चुनाव हरा रहे। चुनाव में नहीं आ रहा, चुनाव आप नहीं आ रहे। हमारी स्थिति वो है जिसका हम आकलन नहीं कर सकते। मेरे को एक किस्सा याद आ गया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री राजे ने चित्तौड़गढ़ में की अनेकों घोषणाएं। 5,000 करोड़ के विकास कार्य की स्वीकृत। जनता का पैसा जनता के विकास के लिए खर्च करने का किया ऐलान। सलमान खान को विदेश जाने की मिली इजाजत। कोर्ट ने विदेश बिना अनुमति के जाने पर किया था पाबंद। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दी विदेश जाने की अनुमति। पानी की समस्या पर लगाया जाम। अधिकारियों के व्यवहार से भड़के लोग सड़कों पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। कठुआ और उन्नाव में हुए दुष्कर्म और हत्या पर जताया आक्रोश। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निकाला कैंडल मार्च। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी आए विरोध में। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।